शेरघाटी विधानसभा शहरी क्षेत्र के गांजा मोड़ पर जन अधिकार पार्टी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी उमेर खान उर्फ टिक्का खान के चुनाव प्रचार में आए विधायक और पूर्व मंत्री तथा जाप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष अखलाक अहमद और अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी, जाप के प्रदेश महासचिव सैयद जसीमुद्दीन आदि नेताओं ने संयुक्त रूप से फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नवाब खान, कैफी खान, भीम आर्मी के रंजन दास, श्याम दास, आलोक कुमार, सैयद नजीब अख्तर उर्फ रिंकू, जावेद खान, रेहान अहमद, नूरुल खान, गुलजार खान, फेकू दास आदि लोग मौजूद थे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसंपर्क करते हुए रमना, मौलवीगंज, उर्दू बाजार, लोदी शहीद, रहमान नगर आदि मोहल्लों में पैदल घूमकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगा। इस बीच मीडिया से बात करते हुए इन नेताओं ने जाप उम्मीदवार उमेर खान और टिक्का खान की जीत का दावा भी किया। कई सवालों पर पप्पू यादव भी यहां आए। इन्होंने जब बुलाया, जब जुल्म सब सारी सरहदों को पार कर गया तो पप्पू यादव भी आए। इसलिए आज लोग वैसे लीडर को पसंद करते हैं जो उनके बीच का, जो उनके साथ जूझता हो, लड़ता रहो, खड़ा रहे हर सवाल पर। आप मंत्री भी रहे हैं और आप पे स्टेट में जाप के बड़े लीडर हैं नेशनल लेवल पर। मुसलसल उमेर यहाँ लगे रहे, इस इलाके में लोगों के बीच उनकी जो पहचान है, मैं समझता हूँ कि आज नौजवान तबका और बूढ़े और किसानों का एक बड़ा हिमायत इनको हासिल है और हम उम्मीद करते हैं कि समाज के हर तबके पर का सहयोग इन्हें मिलेगा और हम इस सीट पर कामयाब होंगे। सर, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अगर मुखर रूप से वर्तमान सरकार के खिलाफ किसी ने वार किया है या सड़क पे संघर्ष किया है तो उसका नाम है पप्पू यादव। और गरीबों के हित की लड़ाई, अगर अभी जो हाथरस की घटना आप जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने दलित के सम्मान में लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं, तो अपार समर्थन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि शेरघाटी की जनता का आशीर्वाद, समाज के हर वर्ग के लोगों का, हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे नौजवान तबकों का प्यार मिलेगा। और आपको मैं सुनिश्चित कराता हूं कि शेरघाटी के संपूर्ण विकास के लिए मैं 5 साल सच्चा सेवक बन के यहाँ पे काम करूँगा। चलिए सर, एक ऐसा नेता पूरे बिहार में है जो गरीबों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, जहाँ जहाँ मगध में दंगा हुआ, औरंगाबाद में दंगा हुआ, जहानाबाद में दंगा हुआ, अल्पसंख्यकों के सवाल पर सबसे ज़्यादा किसने लड़ाई लड़ा है उस शख्स का नाम पप्पू यादव है। और साथ में उमेर खान साहब लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, तो हमको लगता है अल्पसंख्यकों का पूरा मान सम्मान हमारे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है और उन लोगों का वोट पूरा का पूरा हम लोग को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। जसीमुद्दीन साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं शेरघाटी में, और बहुत सारे जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? जाप की जीत यहाँ हो रही है, आंदोलन पूरा चल रहा है, पूरा लोग, हम लोग रात में जाते हैं तो हजार लोग हम लोगों के साथ घूमते हैं, इसलिए ये जीत पक्की है, सुनिश्चित है, यहाँ से हम जीत रहे हैं। भारी आपका मुकाबला किससे हो सकता है? देखिए, हमारे मुकाबले में कोई दूर दूर तक है नहीं कि हम अभी आपका नाम हम लें कि किससे होगा, दूर दूर तक कोई नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अकबर साहब हैं हमारे टिक्का भाई जो हैं, एक तो पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में इनके ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर आप नाप सकते हैं कि आज बराबर में ला सकते हैं तो कोई कैंडिडेट बताए। और ये हमारा बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में टिक्का खां हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अगर आप वोट दे दिया तो टिक्का खां को हराने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, टिक्का खां बहुत आगे है, इसलिए